हेलो 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 वेलकम 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 सभी का वेलकम है स्ट्रीम पे। मैंने जस्ट गेम स्टार्ट किए, 5 मिनट भी नहीं हुए होंगे, 3-4 मिनट हुए गेम स्टार्ट हुए और मैंने यहाँ पे ये बैनर भी यहाँ पे नहीं हटाया, आपके सामने हटाने वाला हूँ। देखते हैं साथ में ही रिएक्शन करेंगे, ठीक है, जो भी होगा अपडेट में। मैंने अपडेट में अभी कुछ भी नहीं देखा है कि अपडेट में क्या आया क्या नहीं आया, सब कुछ आपके सामने ही करने वाले हैं। यहाँ पे बैनर देख सकते हो, अभी देखते हैं पैच हाइलाइट्स में क्या लिखा हुआ है। और जल्दी से फटाफट से लाइक कर दो स्ट्रीम को फटाफट, और ओपन हो गई है गेम, आप भी डाउनलोड कर सकते हो, ये वाली फ्री फायर मैक्स है, ठीक है। और जो भी लोग बंदे आ रहे हो सबका वेलकम है स्ट्रीम पे, वेलकम वेलकम वेलकम। एक मिनट में चैट लगा देता हूँ पहले। नाइस, चलो अभी हम लोग देखते हैं यहाँ पे क्या क्या चीज़ें नई आई है। पहले नया कैरेक्टर आया, सबको पता होगा, अगर नहीं पता तो बता देता हूँ। नया कैरेक्टर है, उसमें डैश की एबिलिटी है जिसमें एकदम से फटाफट दौड़ के बंदे के पास चला जा सकता है। फिर ग्लू वॉल को मारने के लिए, मतलब उसको तोड़ने के लिए, एक थ्रोएबल्स आया है ग्रेनेड की तरह, उसको अगर ग्लू वॉल पे डालोगे तो ग्लू वॉल फटाफट से टूट जाएगी। नया मैप तो आपको पता ही है, जो नेक्स्टर आया था लास्ट अपडेट में वो CS में आ गया है अभी। और नया गन स्किन जो सिस्टम है वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ आगे, ठीक है, इसको बंद करते हैं। न्यू स्किन सिस्टम, ये तो हमको पता चल गया कि जितनी बार स्किन खरीदोगे यहाँ पे मीटर जो प्रोग्रेस बार है वो भरता जाएगा, और अगर ये फुल हो जाएगा तो ये स्किन आपको परमानेंट मिल जाएगी, कोई भी स्किन होगी। फिर आगे देखते हैं, MP40 वापस आ चुके हो, चलो भाई कोई बात नहीं, नाइस, ओके, नाइस नाइस नाइस। चलो कहाँ से स्टार्ट करना है बताओ, कमेंट्स में बताओ, मैं कमेंट्स रीड कर रहा हूँ, ठीक है। हेलो एवरीबॉडी, पहले तो वेलकम है, और फटाफट से लाइक कर दो स्ट्रीम को और शेयर कर दो भाई, हमको 500 लाइक्स करना है, फटाफट से 500 लाइक्स कर दो, फटाफट से जल्दी हो जाना चाहिए भाई। आज तो नया अपडेट आया है, अपडेट तो देखेंगे साथ में। चलो यहाँ पे तो सब कुछ है ही, तो सबको क्लेम कर लेते हैं और ये सब कुछ हटा लेते हैं। और क्या है और क्या है यहाँ पे, देखते डाउनलोड्स में क्या मिलने वाला है अगर मैप्स डाउनलोड करेंगे। चलो यहाँ पे एक गिफ्ट हमको मिली है, वेपन रॉयल वाउचर, यहाँ पे मोड में भी एक वेपन रॉयल वाउचर मिल गया है, और यहाँ पे रेकमेंडेड पे इंक्यूबेटर के 2 वाउचर और एक डायमंड रॉयल का 3 वाउचर, नाइस, बढ़िया है, क्लेम कर लेते हैं ये सब कुछ। जितने भी लोग नए आ रहे हो फटाफट स्ट्रीम को लाइक कर देना, ठीक है, और शेयर भी कर देना। और अगर आपने गेम डाउनलोड की है कि नहीं वो मेरे को बता देना चैट में, कितने कितने लोगों ने गेम अपडेट कर लिए। वैसे अपडेट पहले ही आ गया था, अभी स्टार्ट हुआ है, जस्ट सर्वर अभी स्टार्ट हुआ है। पैच नोट पड़े क्या, या फिर डायरेक्ट हम लोग चेकआउट कर ले। यहाँ पे 20 डेज के लिए स्किन दे रहे, कुछ खास नहीं हुआ। डाउनलोड्स और क्या है यहाँ पे, ये तो पहले ही था, ये अपडेट भी पहले ही था, मतलब टॉप अप वाला, और कुछ नहीं। यहाँ पे एक क्लेम कर लेते, चल अभी पहले स्टोर से स्टार्ट करते, ठीक है, सबसे पहले स्टोर देखते भाई स्टोर में क्या हुआ है। BDP कब ओपन होगा, BDP पता नहीं ब्रो, यहाँ पे इंडिया में अभी 5 मिनट हुए ओपन हुए, ठीक है, 5 मिनट पहले ओपन हुआ, मैंने डायरेक्ट लॉगिन कर लिया और लाइव आ गया। ट्रेनिंग पे आ जाओ, सेंसी चेक करो ब्रो, ओके ब्रो, ट्रेनिंग में जाते हैं, सेंसी भी चेक करेंगे, पहले बाहर का देख लेना, उसके बाद अंदर जाते हैं ट्रेनिंग पे, पहले बाहर की चीज़ें देख लेते क्या क्या अपडेट कर रखा है इन लोगों ने। यहाँ पे तो न्यू में देखते क्या चीज़ें नहीं है, बट ये तो सब कुछ पुराना, ये टॉप अप पे आया, ये भी टॉप अप पे आया था, इवेंट में आया सॉरी, और ये कोबरा MP40 ये भी आ गई थी। और देख लेते हैं यहाँ पे, ये क्लेम कर लेते हैं। और क्या है और क्या है, यहाँ पे कोई गन स्किन भी नहीं है, ही नहीं है, सब कुछ पुराना है अभी तो। यहाँ पे क्रेट्स में भी कुछ नया देखने को नहीं मिल रहा हमको। और हेलो एक्सेल भैया कैसे हो, बिफोर यू डाई ब्रो थैंक यू फॉर 40 रुपीज सुपर चैट, मैं तो बहुत बढ़िया हूँ भाई, आप बताओ। यहाँ पे कुछ भी नया नहीं है, कुछ एक भी चीज़ नहीं है, नहीं है। अगर आपको कुछ दिखता है नया है और मैं मिस कर देता हूँ तो ज़रूर कमेंट बताना, ठीक है, मैं पढ़ रहा हूँ कमेंट्स, कमेंट्स में बता देना। नॉर्मल CS खेलो एक मैच, ओके ब्रो, सब पहले ट्रेनिंग करेंगे, फिर CS भी खेलेंगे, और फिर फुल मैप भी खेलेंगे, ठीक है, सब कुछ खेलेंगे, डोंट वरी। बट पहले बाहर का तो देख लेगा, अगर आउटर में क्या चेंज किया है, लॉबी वॉबी में कुछ फ़र्क है कि नहीं। यहाँ पे देखो मैजिक क्यूब में भी मुझे कुछ लगा नहीं, कुछ खास नया नहीं है ये इसमें, ये हाँ नया आ गया, ये आउटफिट नया है, देख सकते हो, हाँ ये नहीं था आउटफिट, है ना, सही है ना, ये वाला आउटफिट था कि नहीं था, जल्दी बताओ, जल्दी कमेंट में बता दो ये वाला आउटफिट था कि नहीं, रैपर फैंटेसी, मेरे हिसाब से नहीं था, ये नया आउटफिट आया है, जल्दी जल्दी कमेंट में बता दो मेरे को, ये वाला आउटफिट पहले आया था या फिर ये नए अपडेट में आया है अभी, जल्दी जल्दी मैं कमेंट पढ़ रहा हूँ।
ये आउटफिट पहले आया था क्या गेम में? मुझे तो नहीं लगता कि ये आउटफिट आया था। खरीद ले क्या ये वाला आउटफिट? नो ब्रो, नहीं नहीं आया था ना, मुझे पता है ये वाला नहीं आया। थैंक यू बताने के लिए। फिर गिल टोकन से ये तो है ही, ये भी ये ले लेते हैं, हर टाइम का होता है। बहुत पहले 10 वाउचर दिया करते थे, अभी 5 वाउचर देते हैं। फ्री में तो कुछ भी ले लेंगे। ये बड़ी मार्ट क्या है? अच्छा, टोकन से एक्सचेंज करने वाला चीज़ है। और क्या है और नया? लक रॉयल देख लेते हैं। लक रॉयल में यहाँ पे एक स्पिन वैसे मारने की तो जरूरत नहीं, वैसे ही 9 डायमंड कौन खर्चेगा? मैं नहीं खर्चने वाला भाई यहाँ पे। और सारी वेपन रॉयल, ये भी अपडेट नहीं हुआ है। गोल्ड रॉयल भी 10 घंटे बाद अपडेट होगा, यहाँ पे देख रहे हो 10 घंटे का टाइमर है, तो 10 घंटे बाद नया गोल्ड रॉयल आने वाला है। और यहाँ पे डायमंड रॉयल अभी अपडेट हुआ है, यह नया वाला डायमंड रॉयल है 25 दिन के लिए। हमारे पास कितना वाउचर है? हमारे पास एक 10 दिन के लिए एक वाउचर है, ठीक है, एक वाउचर कर लेते कुर्बान। कुछ नहीं मिला, ठीक है भाई। ये 13 दिन के लिए बाकी, हमारे पास कितने वाउचर है? हमारे पास बहुत दिन के वाउचर है, कोई नहीं। फिर देखते हैं यहाँ पे भी देख लिया हमने, वॉल्ट में देखते हैं। और बहुत सारे कैरेक्टर को बैलेंस किया है इन लोगों ने, उनकी एबिलिटी, तो वो भी देखते हैं कैरेक्टर कहाँ गया। और एक नया कैरेक्टर भी अगर उसको अनलॉक कर सकते हैं तो करते हैं। अभी कहाँ गया नया कैरेक्टर? ये रहा, बूम बूम, तुसाया। I will always be fast. तात्सुया नाम है कैरेक्टर का। Let's create some more trouble together. डैश करता है ये 0.5 सेकंड के लिए अगर मैक्स होता है तो, और 5 सेकंड का कूलडाउन है, और दो डैश मिलते हैं आपको। I will always be faster. ऑप्टेन नहीं कर सकते आप लोग, देख सकते हैं यहाँ पे ऑप्टेन का कर रहे तो देख लिए। द आइटम विल बी अवेलेबल सून दिखा रहा है, मतलब ये ऑप्टेन नहीं कर सकते। और देखते हैं, और कुछ देखने लायक नहीं है। चलो डायरेक्ट अभी हम लोग जाते हैं सोशल में जाए क्या? जल्दी बताओ, सोशल में जाए या फिर ट्रेनिंग ग्राउंड में जाए? जल्दी से, दोनों चीज़ है, तो सोशल में जाए या फिर ट्रेनिंग ग्राउंड में जाए। हाउ टू प्ले नॉर्मल एफएफ के लिए मैं सेकंड चैनल पर वीडियो डालूंगा, उसमें लिंक दे दूंगा, ठीक है। अभी तो मेरा भी मैक्स ही है, मैंने भी डाउनलोड नहीं किया। मैं जैसे डाउनलोड करता हूँ सेकंड चैनल पर वीडियो डाल दूंगा, लिंक भी दे दूंगा, वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो आप लोग। अभी हम लोग पहले जाते हैं ट्रेनिंग में, चलो उसके बाद सोशल में जाते हैं। नया बैनर भी आप लोग देख सकते हो यहाँ पे, अच्छा खासा बैनर है नया। और कौन सी गन ट्राई करनी है वो भी मुझे कमेंट में बता देना, तो हम लोग वही गन ट्राई करेंगे। सबसे पहले कौन सी गन आपको ट्राई करने में देखने में ज़्यादा इंटरेस्ट है वो बता दो। कार में अपडेट आया है, वो कार में हम लोग अभी चिप्स डाल सकते हैं, इतना मुझे पता है। और ये ट्रीटमेंट लेजर करने के बाद देख लेते हैं क्या है। बट इसके लिए है ना सामने अपना मतलब होना चाहिए फ्रेंड या कोई भी, तो उसके ऊपर ये लगता है, वैसे नहीं लगा। देखो अगर आपका फ्रेंड सामने खड़ा होगा उसकी हेल्थ कम होगी, तो यहाँ पे एक लेजर जैसा निकलेगा और वहाँ से आपकी फ्रेंड की हेल्थ हील हो जाएगी बहुत जल्दी से। ये ट्रीटमेंट गन है बट उसका नाम बदल दिया है। फिर और क्या है न्यू मैम? स्कार देख लेते हैं, स्कार में नया आया है। स्कार कहाँ गई? अपग्रेडेबल तो है बट चिप कहाँ से ले? चिप लेने के लिए इधर है क्या? चिप्स वेर इज चिप्स? ये रहा, सब कुछ मैक्स कर लेते हैं, ठीक है, अपग्रेड कर लेते हैं। अरे अपने पास चिप तो है भाई, हाँ अपग्रेड हो गया। चलो लेवल 3 की स्कार कर लिए, देखते हैं कैसी चलती है लेवल 3। नाइस, डैमेज तो बहुत अच्छा है। स्कार का डैमेज वैसे आपको पता होगा, एक में लेता हूँ जो नॉर्मल स्कार होगी, तो आपको डैमेज में डिफरेंस पता चल जाएगा और रेट ऑफ फायर भी पता चल जाएगा। एक नॉर्मल स्कार लेते हैं, ठीक है, ये वाली है नॉर्मल स्कार। इसका डैमेज देख लेते हैं, इसका डैमेज है हेड पे 176 का। मेरे पास डबल डैमेज वाली स्किन है क्यूपिड स्कार, आप लोग देख सकते हो 176 का डैमेज है। और यहाँ पे ये वाली स्कार है, इसमें स्किन वर्क नहीं करेगी, आपके पास होगी फिर भी आपकी स्किन वर्क नहीं करेगी, आप लोग देख सकते हो। मेरे हाथ में अभी स्किन नहीं है बट मेरे पास स्किन इक्विप की गई है जो मेरे क्यूपिड स्कार में,
अगर आप लोग अपग्रेड करते हो तो शायद से स्किन वर्क नहीं करेगी, मुझे ऐसा लग रहा है, या फिर ये बग है, दो में से एक चीज़ है, या तो ये बग है या तो फिर अगर आप अपग्रेड करते हो किसी वेपन को लेवल 3 से तो आपकी स्किन वर्क नहीं करेगी या फिर दिखेगी नहीं। देख लो इसका रेट ऑफ फायर बहुत ज़्यादा है, 21 का रेट ऑफ फायर भी ज़्यादा है और डैमेज भी ज़्यादा है। और कौन सी गन है, हाँ और M87 में आप लोग अभी फॉरग्रिप लगा सकते हो तो वो भी चेकआउट कर लेते हैं कहाँ गया। यहाँ पे फॉरग्रिप लेवल 3 ऑलरेडी आ रखी है और यहाँ पे ये तो है ही, टॉप ग्रिप तो पहले से ही लगता था। है मुझे लग रहा है एक्यूरेसी तो बढ़ गई है क्योंकि लेवल 3 की फॉर ग्रिप है तो ऑब्वियसली बात है कि पहले से ज़्यादा एक्यूरेसी लग रही है। आप लोग भी ट्राई कर सकते हो, मुझे ऐसा लग रहा है M87 में थोड़ी सी एक्यूरेसी बढ़ गई है क्योंकि यहाँ पे लेवल 3 की फॉर ग्रिप आ गई, आप लोग देख सकते हो लेवल 3 की फॉर ग्रिप अभी आप लोग लगा सकते हो M87 के अंदर। M10 का भी देख लेते हैं M10 का क्या है सीन। M10 में वैसे इन्होंने कुछ अपडेट नहीं किया है, उसमें फॉर ग्रिप नहीं लगेगी या फिर उन्होंने कुछ बफ भी नहीं किया है, बट देख लेते हैं। M10 तो सही लग रही है, M10 तो जैसे मतलब पहले से ही अपडेट से पहले वैसे ही है, देख सकते हैं M10। M10 का यहाँ पे देख सकते हो आप लोग, M10 तो सेम टू सेम है, ऑलमोस्ट सेम है, खाली इसमें थोड़ी सी मुझे लग रही है एक्यूरेसी बढ़ गई है क्योंकि फोरग्रिप 3 का अटैचमेंट आ चुका है M87 के अंदर। और कौन सी गन ट्राई करनी है वो बताओ फटाफट से, कमेंट बताओ। और कौन सी UMP ट्रेल रुको, UMP में कुछ डिफरेंस है क्या वो भी बता दो मेरे को, मुझे जहाँ तक लगता है तब तक कोई डिफरेंस नहीं आया है, अगर डिफरेंस आया तो मेरे को कमेंट में जरूर बताओ कि कौन सा डिफरेंस है। अच्छा वो ठीक ही लग रहा है, थोड़ा सा है, मुझे लग रहा है कि रिकॉइल ज़्यादा कर रहा है, बट ये मैं मैक्स पे खेल रहा हूँ इसीलिए मुझे लग रहा होगा क्योंकि मैं नॉर्मली तो उस पर खेलता हूँ, मैं नॉर्मली फ्री फायर जो नॉर्मल वाला वर्जन है उस पर खेलता हूँ, मैक्स पे नहीं खेलता हूँ, तो मैक्स पे इतनी एक्यूरेसी अच्छी नहीं आती, आप लोग को ही पता होगा मैक्स और फ्री फायर नॉर्मल में बहुत अंतर है, फ्री फायर में बहुत अच्छे एम आते हैं, यहाँ पे थोड़ा सा एक्यूरेसी मुझे लग रही है कम, बट फिर भी अच्छी है, अच्छी खासी है। ट्रेनिंग ग्राउंड में जाके देखते चलो, और डेजर्ट ईगल भी ले लेता हूँ, वो भी टेस्ट कर लेंगे, डेजर्ट ईगल भी ले लेते रुको। डेजर्ट ईगल भी सेम टू सेम ही है, कुछ नहीं है, कुछ फर्क नहीं है। M82B में क्या फ़र्क है, कुछ फ़र्क है क्या? M82B बंदे बोल रहे हैं बट M82B में कुछ फ़र्क है क्या? अभी तो हम लोग ये चलाते हैं डेजर्ट M87 और UMP, ये तीन चीज़ें सबसे ज़्यादा लोग चलाते हैं, तो उसमें देखते हैं हम लोग क्या कुछ डिफरेंस लाया है कि नहीं। भाई भाई मेरा FPS देख लो, मेरा FPS देख लो भाई साहब, देख रहे हो नीचे 60 FPS आ रहे लिटरली भाई, गजब गजब लैग हो रहा है, गजब का लैग हो रहा है, मेरे को महसूस हो रहा है कि बहुत गंदा लैग कर रहा है। नया अपडेट है तो हमको ऑब्वियसली बात है बहुत गंदा लैग करने वाला है, और मेरा तो PC बहुत ज़्यादा अच्छा है फिर भी देख सकते हो लैग कैसे हो रहा है, 60 FPS आ रहे हैं लिटरली, आप लोग देख सकते हो बॉटम लेफ्ट में मेरे FPS, मैंने उसी लिए चला के रखे देखने के मुझे कितने FPS आ रखे। मर गया भाई, यहाँ पे FPS बहुत कम है मुझे दिख रहा है और महसूस भी हो रहा है कि बहुत बहुत कम FPS है, थोड़ी सी लैग कर रही है गेम, थोड़ी सी बहुत नहीं। और ये वाला स्पेक्टेड का नया है कि डैमेज कितना पड़ा है, किसने दिया है, उसका नाम भी आएगा नॉट विजार्ड, यहाँ पे देख सकते हो कि डैमेज कितना पड़ा है और डैमेज टेकन, यहाँ पे वो बंदा स्कार चला रहा है तो उससे मुझको डैमेज पड़ा है, ये बढ़िया चीज़ है। फिर यहाँ पे इमोजी भी है,
उसको हम लोग खुशी वाला इमोजी देते हैं तो ये खुश हो जाएगा। भाई गंदा लैग कर रहा है गेम, बहुत गंदा, सही में बहुत गंदा लैग कर रहा है। 3R4B ब्रो, फिर से मुंबई आओगे तो मीटअप कर पाओगे? यस ब्रो, मैं आऊँगा तो मैं बताऊँगा, ठीक है? अभी मैं शायद से नेक्स्ट मंथ या फिर उसके नेक्स्ट मंथ आऊँगा, मतलब 2 महीने के अंदर आऊँगा मुंबई में। भाई बहुत गंदा लैग कर रहा है गेम, सही बता रहा हूँ, बहुत ही गंदा लैग हो रहा है गेम। मे बी अगर स्ट्रीम ना कर रहा होता तो इससे 10 FPS ज़्यादा आती, फिर भी बहुत कम है, बहुत कम FPS आ रही है। मैंने अभी तक एक भी हेडशॉट नहीं मारा है, और मेरे को कहाँ से पड़ रही मुझे यही नहीं पता चल रहा, देख सकते हो, मेरे को पता ही नहीं चल रहा मेरे को कहाँ से पड़ रही है। भाई एक गोली लग जाओ, हाँ चलो एक हेडशॉट लगा है, बहुत मुश्किल से। पिंग भी बहुत आ रही है, पिंग भी बहुत आ रही है, डिले भी हो रहा है और लैग भी हो रहा है। भाई साहब फ्री फायर का क्या कहना, क्या कहना फ्री फायर का। मुझे कोई बंदा मार रहा है ना, अगर डैमेज दे रहा है ना तो 5 सेकंड के बाद आ रहा है डैमेज। अबे ये लड़की सो गई, क्या मर गई, कैसे मर गई है? भाई अभी फ्री फायर मैक्स में तो मैं सेंसिटिविटी वाले के बारे में तो कुछ बोल नहीं सकता। कॉम स्विचिंग चेक करो। ओके ब्रो, भी चेक करता हूँ मैं। अभी तो मैं सेंसिटिविटी के बारे में कुछ नहीं बोल सकता, क्योंकि वैसे भी ये फ्री फायर मैक्स में अच्छे से नहीं, अच्छे हेडशॉट लगते सबको पता है, उसीलिए कोई फ्री फायर मैक्स में नहीं खेलता है। फोन या PC कोई फ़र्क नहीं पड़ता, फ्री फायर मैक्स में अच्छे हेडशॉट नहीं लगते, सभी को पता है उसकी जो वो है ना सेंसिटिविटी बहुत ख़राब है। जब मैं नॉर्मल वाला डाउनलोड करूंगा ना तब मैं आपको बताऊंगा कि भाई सही में कुछ डिफरेंस आया है सेंसिटिविटी में या फिर ऐसे ही है। देख लो वो कहाँ पे डैमेज पड़ा, देख रहे हो? मैं अंदर आ गया था फिर भी मेरे को डैमेज पड़ा, देख लो अभी भी डैमेज पड़ रहा है मेरे को कहीं और से, मैं जब ग्लू वॉल के पीछे हूँ। भाई लैग तो बहुत ही कर रहा है, उसका तो क्या ही कहने, लैग डिले सब कुछ है। भाई कहाँ से पड़ रही है मेरे को, कहाँ से पड़ रही है? तो जब मैंने ग्लू वॉल लगा रखी है तो मेरे को पढ़ कहाँ से रही है? अरे रेंज देख रहे हो, M87 की रेंज देख रहे हो, इसमें कहाँ पे बंदा था और उसको कितनी पड़ी। M87 की रेंज भाई थोड़ी सी तो बढ़ गई है मुझे लग रहा है। अरे 53 के 2 पड़े इसको, कितना डैमेज पड़ा मेरा, मैंने 170 डैमेज मारा, 173 सॉरी, और मेरे को कितना डैमेज पड़ रहा है वो नहीं दिखाता यहाँ पे, बट तुमको दिखाएगा कि तुमने बंदे को कितना डैमेज पड़ा है। तो मैंने उसको 173 का मारा है, तो ये अच्छी बात है। अगर किसी को बताना हो, जैसे तुम लोग मर गए हो और फिर तुमको तुम्हारे दोस्त को बताना कि भाई कितना डैमेज है, एक गोली का जैसे बोलते हैं सब लोग कि एक गोली का है, तो अभी आप लोग बोल सकते हैं कि 150 का पड़ा है, 170 का पड़ा है, तो उसको पता होगा कि 200 HP है तो मतलब 30 HP का बंदा बचा हुआ है, तो मतलब वो थोड़ा फ़ायदेमंद है, ये एकदम एग्जैक्ट बताता है कितना डैमेज पड़ा हुआ है किसी को। अगर आप स्क्वाड के साथ खेल रहे हो तो आप इजीली बता सकते हो 150 पड़ा है तो घुस जा। और दूसरी बात, ये डेजर्ट ईगल में तो 272 पड़ता है ना, 262 कैसे पड़ रहा है? इसका डैमेज कम कर दिया है क्या? देख लो 262 पड़ रहा है। किसी को पता है क्या कि यहाँ पे मेरे सारे शॉट्स 262 क्यों पड़ रहे हैं, जबकि अपडेट से पहले तो डेजर्ट ईगल में 272 का हेडशॉट पड़ता है अगर लेवल 2 का हेलमेट है तो। सबके पास तो वुल्फ्रा नहीं होगा मुझे नहीं लगता कि इलाइट एंड्रू या फिर वुल्फ्रा है सबके पास। क्या डैमेज वैमेज कम किया है, अगर किसी को पता है तो भाई बता दो,
इसको 316 पड़ी, सही है। किसी को पता है क्या 60 FPS क्या भाई? उससे भी कम है, मैंने देख लिया, बहुत ही कम है, बहुत कम FPS है। 60 FPS आता तो भी ठीक बात होती। कहाँ से मेरे को कहाँ कौन मार रहा है यार, ये कौन सा भूत मार के आ गया? बस सामने कोई बंदा ही नहीं है। अब पीछे करके देख लो, ये सामने कोई बंदा ही नहीं है भाई, कौन मार रहा है मेरे को? चलो बैक आते हैं और ओम का टेस्ट करते हैं। बहुत बंदे बोल रहे हैं कि ओम का टेस्ट करो। इफ योर हाई एंड पीसी लैग्स लाइक दिस, इमेजिन माय पीसी। वही तो बोल रहा हूँ भाई, मेरी तो बहुत अच्छा पीसी है, फिर भी तुम्हारे देख रहे हो मेरे को फिर 60 FPS नहीं मिल रहे। लिटरली 60 FPS नहीं आ रहे। आप लोग मेरे FPS काउंटर नीचे देख सकते हो कितना कम आ रहे हैं। मेरे को महसूस हो रहा है कि थोड़ा लैग कर रहा है, थोड़ा अटक रहा है, एकदम स्मूथली नहीं चल रहा है। जैसे ही मैंने फर्स्ट रिएक्शन वही दिया ना कि ये तो बहुत लैग कर रहा है इसका, क्योंकि मेरे को आदत है 90 से कम खेलने की आदत है ही नहीं, मैं 90 पे ही खेलता हूँ, 90 FPS पे। तो अगर 60 FPS एकदम से कर दिए तो मैं तो क्या ही बोलूँ फिर। चलो यहाँ पे डबल ओम हम लोग देखने वाले हैं, तो डबल ओम सही से चल रही है फिर नहीं, एक ओम चला के देखते हैं। डबल ओम तो भाई वैसी ही चल रही है, आप लोग देख सकते हैं बहुत मस्ती चल रही है। ओम में तो कोई टेंशन नहीं है, कोई तकलीफ नहीं है, ओम देख रहा आप। इसका भी गेम प्ले आपको दिखा देता हूँ, जाके थोड़ा सा गेम प्ले दिखा देता हूँ 2 मिनट का। पीसी अनमैन हो गया क्या? अभी इसके बाद वही चेक करेंगे, डोंट वरी। भाई ये तो मस्ती चल रही है, देख रहे हो कौन मार रहा है यार कहीं से भी। अरे फायर नहीं हुआ, कोई बात नहीं, बट बहुत अच्छी चल रही है, देखो बोलने की जरूरत नहीं, आप लोग देख सकते हो बहुत गजब है। अबे कौन मार रहा है यार कहाँ से, गजब लैग हो रहा है, पता ही चल रहा है कौन मार रहा है। देख लो ग्लू होल लगाई, उसके बाद मर गया मैं ग्लू होल लगा के। बहुत बढ़िया भाई, मैं अपडेट कैसे किया डायरेक्ट उससे प्ले स्टोर से, ये तो मैक्स है, नॉर्मल वाला नहीं है ब्रो, ये मैक्स वर्जन है, इसको तो डायरेक्ट अपडेट कर सकते हो प्ले स्टोर से ही। ओ नाइस, चलो तो यहाँ पे ओम का तो मैंने गेम प्ले दिखा दिया और सबको लग मतलब पता चल गया होगा, बहुत अच्छी चल रही है ओम में कोई टेंशन नहीं है। तो सर बताओ आपके पीसी का राइजन 5 3600। डायमंड 4 यस। अभी देखते हैं सबसे मेन बात, क्या पीसी अनबैन हुआ है कि नहीं, फुल मैप में पीसी अनबैन हुआ है कि नहीं, आपको क्या लगता है पहले ही बता दो ठीक है। देर इज नाउ अ न्यू टीम रैंक रिक्वायरमेंट इन रैंक मोड्स, इफ देर इज वाइड गैप बिटवीन द टीम यू विल नॉट एबल टू स्टार्ट मैच मेकिंग अनलेस योर टीम इज फुल, फॉर डिटेल्स प्लीज सी द टीम अप इंटरफेस। ओके भाई यहाँ पे कुछ नया इंटरफेस आया है, देखते हैं। जल्दी से मेरे को कमेंट में बताओ कि भाई पीसी अनबैन हुआ होगा कि नहीं, आपको क्या लगता है, फिर मैं चालू करूंगा ठीक है। मैं देखना चाहता हूँ किसको क्या लगता है, क्या पीसी अनबैन हुआ होगा, क्या पीसी में मैच मेकिंग होगी बॉट्स के अलावा असली बंदे 50 प्लेयर फुल मैप में होगी क्या नहीं, बताओ आपको क्या लगता है, आपका ओपिनियन क्या है। स्किल डिस्प्ले जल्दी बताओ, नहीं बहुत लोग नहीं बोल रहे, नो मुझे भी नो ही लग रहा है, बट देखते हैं। मैं तो होप करता हूँ कि यस होना चाहिए, बट लग तो नो ही रहा है, जैसे तुम लोग को जैसे लग रहा है वैसे मुझे भी वही लग रहा है कि नहीं हुआ होगा चेंज। एक बार सेटिंग चेकआउट कर लेते हैं, सेटिंग में कुछ लाया है क्या नया ये लोग, सेटिंग में तो वैसे
कुछ है नहीं नया तो। डिस्प्ले में भी वही है, ग्राफिक्स वही है, सब सेम है। ऑडियो बैलेंस ओके, कुछ नया चीज आई है। तो भाई हम लोग अभी स्टार्ट करते हैं, देखते कि होता है कि नहीं स्टार्ट। चलो वैसे यहाँ पे देखो पहले ही जीरो एस्टिमेट आ गया है, तो 1v4 मतलब सोलो वर्सेस स्क्वाड यहाँ पे चालू नहीं होगा। अब इसको ऑटो मैच को ऑफ करके देखते हैं। अब भी जीरो है तो ये भी स्टार्ट नहीं होगा। सबको बता देता हूँ कि भाई जीरो होता है, किसी को नहीं पता, तो एस्टिमेट जीरो होता है तो स्टार्ट नहीं होता है। देखते हैं अभी डुओ लगाते हैं, डुओ में देखते हैं। इसमें भी जीरो है तो इसमें भी स्टार्ट नहीं होगा। जब तक यहाँ पे एस्टिमेटेड जीरो आएगा तब तक स्टार्ट नहीं होगा। देख सकते हो मैंने बहुत बार स्टार्ट किया। चलो 17 सेकंड आई है, देखते चलो 17 सेकंड आया है बट देखते स्टार्ट होता है कि नहीं, थोड़ा सा वेट कर लेते। मोबाइल प्लेयर को बहुत मजा आ रहा होगा, पता है अगर मोबाइल प्लेयर हैं सारे सब कुछ खुश होंगे सारे कि भाई नहीं लग रहा इनका मैच। कोई बात नहीं, हम लोग कितना 1.5 मिनट तक वेट करें या फिर 2 मिनट तक, बताओ 2 मिनट तक वेट करते हैं। ठीक है 2 मिनट के अंदर चालू ऐसे हो जाता है अगर होना होता है तो 17 सेकंड एस्टिमेट आया है, देखते 2 मिनट वेट कर लेते। नॉर्मल FF कैसे डाउनलोड करें उसके लिए मैं सेकंड चैनल पर वीडियो डालूंगा। ठीक है सेकंड चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में है क्या, मैं दे रखा है नहीं, आप सर्च कर सकते हो एक्सेल प्लेस। ठीक है अरे भाई स्टार्ट हो गया, नाइस। सेकंड चैनल पे वीडियो डालूंगा, सब्सक्राइब करके रखना, उसमें लिंक दे दूंगा, आप लोग नॉर्मल फ्री फायर डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है इट वाज अ नाइटमेयर टू बी स्टक ऑन द आइलैंड। फुल बॉट है यहां तो, आल्सो अ गुड ड्रीम बॉट बोलते भाई, यू नो with देखो ये बंदा रियल प्लेयर है, ये बंदा रियल प्लेयर है, ये बंदा रियल प्लेयर है जो साइक लेके आया है, ये बंदा रियल प्लेयर है, फिर ये भी बंदा शायद से रियल है, शायद आई डोंट नो, लग तो नहीं रहा है। फिर वैसे सब बॉट भी हो सकते हैं क्योंकि वो दौड़ नहीं रहा है, सबके पास स्किन जरूर है बट कोई भाग नहीं रहा है, समझ रहे हो। देखते उसमें जाके देखते कि सच में सब कुछ बॉट है, सब लोग बॉट है या फिर 10-15 लोग आए हैं रियल। और फटाफट से लाइक कर दो यार, 1K लाइक्स चाहिए हमको, फटाफट से लाइक कर दो, जितने लोग देख रहे हो लाइक कर दो, हम लोग लैंड करें उसके पहले लाइक कर दो फटाफट से। ठीक है उसके बाद लैंड करते हैं और देखते हैं भाई क्या सीन है, सारे बॉट आए या फिर कोई और भी आया है। ऑल बॉट देख लेते हैं ना, अगर सारे बॉट आए होंगे तो बैक कर देंगे, एक बार ट्राई कर लेते फिर हमको ऐसा ना होगा ट्राई ही नहीं किया। जब तक हम लोग लैंड करते हैं सब लोग एक साथ लाइक कर दो, क्लॉक टावर पे जाएंगे। वैसे मेरे पास वो बर्ड नहीं है, ईगल जो भी बोलते हैं उसको क्या बोलते हैं मैं भूल गया, पीक चलते, चलो पीक नजदीक है। देखते उसका लिंक कब दोगे सेकंड चैनल पे, जैसे ही मैं ये बंद करूंगा ना लाइव, बस थोड़ी देर में बंद करूंगा, ये सब चेकआउट कर लेते हैं फिर लाइव बंद करेंगे, उसके बाद मैं सेकंड चैनल पे वीडियो अपलोड करूंगा और लिंक दे दूंगा। ठीक है तो फटाफट से सब्सक्राइब कर लेना, जैसे ये लाइव खत्म होगा उसके 15-20 मिनट में वीडियो डाल दूंगा मैं। वैसे मुझे लग तो नहीं रहा है कि कोई रियल प्लेयर आया है बट देख लेते हैं बाहर जाके, जो बॉट होते हैं ना वो पीक पे घूमते हैं, जो बॉट लोग होते हैं ना वो पीक पे ही घूमते हैं, पता नहीं उनका क्या वैसा रिश्ता है बट यहाँ पे इतने में ही घूमते रहते हैं, ये जगह है ना यहाँ पे घूमते रहते, वहाँ पे जितने भी लोग दिखे समझ जाओ सारे बॉट हैं। अरे भाई ये क्या है, कमन एयर ड्रॉप अभी से, चलो भाई एक बॉट को मार दिया है और कितने बॉट को मारेंगे देखते हैं। और कितने बॉट को हम लोग मार सकते हैं, एक पीछे हमारे ये रहा ना, ये भी बॉट है,
लाइक देते भाई बॉट, देख रहे हो मेरे को लाइक दिया किसी ने आजकल बॉट भी लाइक देते, लाइक बढ़ाने की निंजा टेक्निक आ गई है क्या, बॉट को मारो लाइक्स लो। यहाँ पे बंदा था ये रहा, बॉट को कोई परवाह नहीं है कि उसको कहाँ से पड़ रही है, उसको बस लूटने से मतलब उसको। अबे बॉट भी भागने लग गए, थोड़ा एडवांस तो किए इन लोग ने बॉट को, बॉट को इन लोग ने अपग्रेड तो किया है, कुछ भी बोलो। अबे भाई अभी एक लास्ट बंदे को मार के निकलते, वैसे मुझे लगता है कि सारे बॉट ही हैं, एक बंदा नहीं है रियल। ये रहा ना, ये क्या कर रहा है, चलो भाई इसको मार के निकलते हैं। तो आप लोग जैसे ही देख सकते हो मेरे पास बैड न्यूज है कि भाई पीसी प्लेयर में अभी बॉट ही आते हैं, पीसी का गेम प्ले स्टार्ट नहीं होता है फुल मैप। एक बार सोलो ट्राई कर लेते अभी लास्ट, शायद सोलो में लग जाए, देख लेते हैं। सोलो में भी नहीं लगेगा, मतलब अभी तक पीसी प्लेयर का अनबैन नहीं हुआ है, बैन ही है, देख सकते हो आप, मैंने आपको लाइव पे दिखा दिया कि कोई बोलेगा तो भाई मानना मत, मैंने आपको यहाँ पे लाइव पे दिखा दिया मैं पीसी प्लेयर हूँ, और सोलो डुओ स्क्वाड सब में दिखा दिया, ऑटोमेट चालू करके बंद करके सब में दिखा दिया, एक भी बंदे एक में स्टार्ट नहीं हुआ, एक में स्टार्ट हुआ उसमें सारे बॉट आए तो मतलब नहीं है मतलब स्टार्ट करने का। फिर अभी हम लोग देखते हैं कि सी एस में क्या फ़र्क आया है, एक बार सी एस चेकआउट कर लेते हैं। चलो सी एस में वो जो बाय करने का स्टोर होता है ना उसमें कुछ अपग्रेड किया है इन लोगों ने, देखते मजा आ गया। अरे भाई मोबाइल प्लेयर का तो मजा ही आएगा ना, मेरे को पता है। अपडेट के बाद कीबोर्ड काम नहीं कर रहा, वो तो भाई कीबोर्ड और गेम का क्या लेने देना, वो तो तुम्हारे कीबोर्ड में गड़बड़ होगा ब्रो, कीबोर्ड का और अपडेट का लेना देना है ही नहीं ना। चलो ये सी एस वाला खेल लेते हैं, उसके बाद मैं जाता हूँ, उसके बाद हम लोग नया वीडियो मैं डालूंगा सेकंड चैनल पे, उसके ऊपर आपको लिंक मिल जाएगी, ठीक है, कैसे डाउनलोड करना है फ्री फायर। बंदे तो अच्छे खासे आए इसमें डेटा अभी। हाँ इसमें आपको सबकी स्किल दिख जाएगी कि आपके फ्रेंड्स जो भी है टीममेट्स वो क्या क्या यूज कर रहे हैं, कौन सी एबिलिटी यूज कर रहे हैं, तो आपको दिख जाएगी जो कि अच्छी बात है। First blood. लेग 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 नीड इक्विपमेंट। अब सही हो गया होगा, बीच बीच में नेट चले जाता है तो फिर वो लैग हो जाता है उसके लिए भाई। नया वाला स्टोर देखना रह गया लैग की वजह से, देख लेते हैं। अब वापस लैग नहीं होगा, चिंता मत करो।
एक बंदा बॉट बना हुआ है। First blood. एक बंदा इधर छुपा हुआ है भाई, उसके ऊपर से कूद गया बट वहां नहीं जा पाया दूसरी तरफ। छोटू भाई क्या कर रहे हैं, इनको भी इमोजी दिखाते हैं क्या भाई? ये गया है, गया है। अरे भाई नाइस बैड बॉय, इसको हम लोग ऐसा दिखाते हैं, बहुत बढ़िया काम किया, थैंक्स, ताली बजा लेते हैं इसके लिए। अबे अबे भाई रिलोड तो कर ले बैड बॉय, भाई ने रिलोड ही नहीं किया, कूद गया ऐसे ही। नाइस, अभी हम लोग आपको मैं स्टोर दिखाता हूँ, ठीक है? अभी आपको मैं स्टोर दिखाता हूँ, बीच में पिंग आ गई थी तो स्टोर नहीं दिखा पाया मैं। यहाँ पे देख सकते हो आप लोग, अभी MP5 का थर्ड ले सकते हो, MP5 3 जो आती है, जेड जो भी बोलो आप, वो ले सकते हो। उसके बाद ग्लू वॉल भी ले सकते हो, ये ग्लू वॉल मेल्टर भी ले लेते हैं, और क्या लेते हैं बस, और कुछ नहीं ले सकते। ये जो मिस्ट्री बॉक्स होता है वो तो आपको उसमें नहीं देखने को मिलेगा, ये तो सिर्फ इसमें ही होता है क्लासिक वाले में। ये EP का क्या सीन है, किसी के पास एबिलिटी है क्या EP वाली? तो हमने यहाँ पे MP5Z ले लिए, MP5 3 जो कि मेरी फेवरेट गन है, मेरे को बहुत पसंद है। सबसे बेस्ट शॉर्ट रेंज या लॉन्ग रेंज किसी भी गन बोलो तो ये वाली है, सबसे बेस्ट चलती है ये। मैं आपको दिखाता हूँ डेमो, मैं डेमो दिखाता हूँ उसको। फर्स्ट ब्लड, अरे भाई बंदा ऑम लेके आ गया, यहाँ पे भी ऑम है। रेट ऑफ फायर देख रहे हो भाई, इसका रेट ऑफ फायर प्लस डैमेज सबको दे। डाउन, और कौन है? अब कहाँ गए बंदे? तो ये मैप बहुत बड़ा है, ये रहा एक बंदा। क्यों बेटा क्यों छुप रहे हो? छुपने से कुछ नहीं होगा। और लास्ट बंदा किधर? अब देखो इसमें रेड डेडी लग रहे हैं, अभी तो मेरी तो सेंसिटिविटी भी नहीं है फ्री फायर मैक्स पे, ना ब्लू स्टेक 5 पे, फिर भी देख रहे हो ओनली रेड नथिंग एल्स। देख रहे हो MP5Z जो भी नहीं चलाते या फिर इग्नोर करते भाई, एक बार चला के देखो, बहुत गजब है, बहुत गजब। Look at me go. I'm not the old me no more. Need equipment. अभी इसके अंदर कोई भी ग्लू वॉल होगी तो मेल्ट हो जाएगी। अपनी ग्लू वॉल लगाए क्या? देखो अपनी ग्लू वॉल लगाते, देखते टेस्ट करते कितनी जल्दी मेल्ट होता है। ये लगा ली ग्लू वॉल और ये लगा ला अपना मेल्टर। इतना भी जल्दी नहीं होती भाई, 5-6 सेकंड लगती है, 5-6 सेकंड तो नहीं बट 3-4 सेकंड तो लगती है, इतना भी कुछ नहीं है। बट मेरे को लगा इंस्टेंट टूट जाएगी 1-2 सेकंड में, 1-2 सेकंड तो नहीं, उससे ज़्यादा है। उससे अच्छा अपना स्काइलर है, इंस्टेंट तोड़ दो 9 सेकंड। आ जाओ ब्रो इधर, आ जाओ इधर, आ जाओ मेरे पास आओ ब्रो। फर्स्ट ब्लड, लास्ट इधर ही तो था। कितनी देर में कहां चला गया? देखो भाई किसी ने मेरे को स्माइली वाला इमोजी दिया है, थैंक यू जिसने भी दिया है। ताली वाला भी इमोजी दिया किसी ने, थैंक यू भाई। है कहाँ ये बंदा? बंदे लोग इसमें भी छुप रहे, बताओ
के क्या कर लोगे भाई, कौन सा मैच जीत जाओगे? इसके ऊपर है शायद से। गजब गजब बंदा है भाई ये तो। अरे बाहर निकल जा यार। भाई तो आपने यहाँ पे देख लिया होगा CS का एक गेम प्ले, उसमें क्या क्या चेंजेस है। अभी आप लोग लेवल 3 के MP5 या फिर स्कार या फिर जो भी लेवल 3 की गन्स होती है वो खरीद सकते हो स्टोर से 300 रुपये एक्स्ट्रा दे के, 300 पॉइंट्स एक्स्ट्रा दे के। और तो यहाँ पे कुछ नया मुझे लग नहीं रहा है। अगर आपको कुछ चेक करवाना हो तो पूछ सकते हो, तो मैं चेक कर लूँगा। ठीक है, टॉक्सिक बिहेवियर क्या भाई, मेरा नेट चला गया था। The system has detected your improper action of toxic behavior on. भाई मेरा नेट चला गया, ये बंदा बोल रहा है कि टॉक्सिक बिहेवियर। भाई नेट चला गया और दूसरे राउंड में आ भी गया था मैं। काट लो भाई काट लो, कोई नहीं, 6 पॉइंट काट लो हमारे। और तो कुछ देखने लायक है नहीं यहाँ पे। मैजिक क्यूब के पास न्यू टोकन देखो, देखा ना कहाँ गया, ये वाला है ना, ये देखा मैंने टोकन। थर्ड टाइम आता है नया नया टोकन इसमें, तो कुछ देखने लायक नहीं है ऐसा। और तो कुछ खास नहीं यहाँ पे, सब कुछ नया ही है। ठीक है, तो अभी आज की स्ट्रीम अभी बंद ही करते हैं। मैं तो खाली रिव्यू करने आया था, ठीक है। और जो नॉर्मल वाला फ्री फायर है ना, उसका वीडियो डालूंगा सेकंड चैनल पे। एक बार और बोल रहा हूँ, सेकंड चैनल के लिंक स्पैम कर देता हूँ, रुको वेट, पिन बंद करना पड़ेगा मेरे को पहले तो। चलो यहाँ पे मैं स्पैम कर रहा हूँ सेकंड चैनल के लिंक, उस पर जाके सब्सक्राइब कर लो। मैं आपको यहाँ पे ही दूंगा जो नॉर्मल फ्री फायर है उसकी लिंक, या फिर डाउनलोड कहाँ से करना है वो मैं यहाँ पर इस पर वीडियो बना के बताऊँगा। ठीक है, तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लो जो भी देख रहे हो, और जिसको भी नॉर्मल फ्री फायर डाउनलोड करना है कहाँ से करना है वो देखना है तो सब्सक्राइब कर लेना। मैं वहाँ पर वीडियो डालने वाला हूँ थोड़ी देर में, ठीक है, तो आपको पता चल जाएगा और वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर सकते हो। तो आज की वीडियो में इतना ही था यहाँ पर, ठीक है। लाइव स्ट्रीम यहाँ पे एंड करते हैं, नई वीडियो डालूंगा देख लेना, और अपडेट कैसा लगा वो भी बता देना। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर ब्रो।